ये साल खत्म होने आ गया है और ऐसी कौन सी मूवीज है जो मुझे इस साल सबसे ज्यादा अच्छी लगी, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें होगी टॉप 10 मूवीज की लिस्ट। तो गाइस के साथ तुम्हें मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं रॉकी द वॉचर। तो चलिए शुरू करते हैं, बट फर्स्ट ऐसी मूवीज बता देता हूं जो मूवीज इतनी अच्छी तो नहीं है बट वन टाइम वॉच तो जरूर दे सकते हो। इसमें है एसआरके की इस साल की सबसे पहली मूवी पठान। क्योंकि अगर तुम सोचने जाओगे तो मूवी सलमान के कैमियो के सरप्राइज एलिमेंट से ही ज्यादा चली है और एसआरके की मूवी होने की वजह से, क्योंकि 4 साल के बाद कमबैक कर रहे हो, इसके वजह से ही मूवी चली है, नहीं तो मूवी में कुछ नहीं है। फिर आगे है स्पाई फ्रेंचाइज की इस साल की दूसरी मेड मूवी टाइगर 3, जिसने इसके टीजर में प्रॉमिस तो बहुत कुछ किया था बट डिलीवरी के टाइम हक दिया, और जो इसका मेन सेलिंग पॉइंट होना चाहिए था एसआरके का कैमियो वो भी वेस्ट कर दिया। फिर अक्षय कुमार की मूवी मिशन रानीगंज, जो भी एक अच्छा अटेम्प्ट था मैं कहूंगा, बट वीएफएक्स की वजह से मूवी का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता। तो अभी एसाइड बात करते हैं मेन कोर्स की, टॉप 10 मूवीज की लिस्ट की, जिसमें 10वें पोजीशन पे है 3 मूवीज, सलार, डंकी एंड जेलर। जी हां, ये तीनों मुझे बहुत ज्यादा मिड लगे बट कैसे वैसे करके 10 नंबर पर पहुंचे हैं, बट मूवीज बुरे नहीं है, अच्छे। ये डंकी और सलार जो दोनों मूवीज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट था, उन्होंने दोनों ने डिसअपॉइंट कर दिया है एक साथ वो भी। और ये जेलर सिर्फ इसकी बीजीएम की वजह से अच्छी लगती है, बाकी कुछ मूवी में उतना नहीं, वही मास मसाला है। बस रजनीकांत की बहुत ज्यादा दिनों के बाद मूवी आई थी इसलिए सबने सेलिब्रेट किया है। फिर 9वें पोजीशन पे है रणबीर और श्रद्धा कपूर स्टार है लव रंजन डायरेक्टेड मूवी तू झूठी मैं मक्का। टू बी ऑनेस्ट, ये मूवी मैंने 2 बार थिएटर में देखी और दोनों बार बहुत ज्यादा हंसा हूं मैं। एंटरटेनमेंट के मामले में बहुत ज्यादा अच्छी है मूवी, आपको बोर जरा भी नहीं करती। और बहुत दिनों बाद ऐसी मूवी थिएटर में देखी है, ड्रामा मूवी, और मजा आया है। तो हां, वही फीलिंग्स पे ये मूवी लिस्टिंग की है इस लिस्ट में। आगे 8वें पोजीशन पे है एक मलयालम मूवी 2018 स्टारिंग टोविनो थॉमस। जब आई थिंक केरला फाइल्स आई थी तभी ये मूवी आई थी और उसी केरला पे बेस्ड है। जब 2018 में फ्लड आया था तब सबने कैसे एक दूसरे की मदद करके ह्यूमैनिटी दिखाई इसके ऊपर है। और हाँ, इसका वीएफएक्स ढीला है बट इसका विजन और जो इमोशन दिखाने का जज्बा है वो नहीं, जो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मस्ट रिकमेंडेड है, जरूर देखना। इसे ऐसा कह सकते हो कि भाई एक लो बजट बिग मूवी। फिर 7वें पोजीशन पे है पंकज त्रिपाठी जी की मूवी और अक्षय कुमार का जिसमें कैमियो है ओ माय गॉड 2। देखो, जिसके पहले पार्ट इतना कल्ट क्लासिक बन चुका था उसका अगर सेकंड पार्ट लाना है तो कुछ अलग करना होगा उसी की तरह, बट कुछ अलग। तो हां, इस मूवी में वैसा ही था, कुछ अलग था और 21 कट लेके ए रेटिंग लेके मूवी को रिलीज कर दिया था और मूवी हुई कनेक्ट ऑडियंस, और जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जो एजुकेशन देना चाहते थे वो मिल गया सबको। बट हाँ, इंडियन मूवी फर्स्ट जितनी अच्छी नहीं थी बट एक वर्दी सीक्वल बोल सकते हो। तो हाँ, अगर अब तक नहीं देखी तो देख लेना। फिर 6th पोजीशन पे सेकंड इंस्टॉलमेंट है PS2 पोनिया सिल्वन पार्ट 2, और उसे मैंने हिंदी में ही देखा था OTT पे आने के बाद, और जो ब्यूटीफुल एस्थेटिक्स विजुअल्स है भाई क्या ही बताऊं। इसे थिएटर में क्यों मिस किया पता नहीं, बट जो त्रिशा और ऐश्वर्या जी का रूप दिखाया है, बस मणिरत्नम जी ने जो PS1 में दिखाया था सिर्फ ब्यूटी और पॉलिटिक्स, ये सेकंड पार्ट में वही है बस 10x में। और इस बार थोड़े अच्छे से समझ में आता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में नाम ही याद नहीं होते भाई, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता, कौन कहां से कहां जा रहा है कुछ भी नहीं। बट इस बार थोड़ा टाइम होने की वजह से समझ में आता है कि कौन कहां गया है और क्या हो रहा है, और पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा अच्छे से इसमें एक्सप्लोर की गई है। परफॉर्मेंस वाइज सबने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, खासकर ऐश्वर्या जी ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। बट मूवी में नेगेटिव नहीं है, ऐसा नहीं है, मूवी में नेगेटिव है जैसे वो लास्ट का बैटल सीन, उनको उतना जमा नहीं, क्योंकि मूवी लास्ट में जो बैटल होती है उसी पर है बट वो ही ठीक से नहीं कर पाए, वो बैटल की वो फील नहीं करवा पाते जैसे बाहुबली में थी, बाजीराव मस्तानी में थी। तो हाँ, मूवी में यही फ्लॉ है, नहीं तो मूवी काफी अच्छी है दोनों पार्ट। फिर Zee5 OTT पर डायरेक्टली रिलीज हुई मूवी गुलमोहर स्टारिंग मनोज वाजपेयी, और भाई जो परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने मूवी में, एक पॉइंट है मूवी में जब एक रिवील होता है और उनके जो हाथ ऐसे कांप रहे होते हैं वो सीन देख के उनके एक्टिंग रेंज का अंदाजा पता चलता है और क्या रेंज है भाई, नेक्स्ट लेवल। तो हाँ, काफी अच्छी है मूवी जिसमें फैमिली के इंपॉर्टेंस पे बात की गई है, तो जरूर देखना। फिर 4th पोजीशन पे है कार्तिक आर्यन केयर एडवांस स्टारर एक सरप्राइज मूवी, जिसके ट्रेलर से ही लग रहा था कि भाई एक टिपिकल रोमकॉम मूवी होगी, बट जो मूवी ने सबको रॉन्ग साबित किया है। मूवी का नाम बताया नहीं क्या? मूवी का नाम है सत्यप्रेम की कथा, और इसे मैंने डायरेक्टली OTT पे देखा था क्योंकि जल्दी आ गई थी, बट आई विश कि भाई इसे थिएटर में एक्सपीरियंस करता, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया था मोबाइल में वो 10-fold होता एक्सपीरियंस थिएटर में। इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस जाओ विदाउट इंक्वायरिंग अबाउट कि क्या है, किसके बारे में, कैसे है, सरप्राइज होंगे। फिर 3rd पोजीशन पे है 2 मूवी जिन्हें मैं आगे पीछे कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है, तो एक साथ ही रख दिया। उसमें से पहली एक तमिल मूवी है डैडा, मतलब पापा, नाम से ही समझ आ गया होगा कि भाई किसके बारे में होने वाली है मूवी। तो हाँ, बहुत ज्यादा फील गुड वाली मूवी है, जरूर देखना। फिर दूसरी मूवी है इसके पूरे अपोजिट डार्क मूवी है मराठी इंडस्ट्री से वाड़वी करके, और क्या सरप्राइज था भाई, बहुत लोग बोल रहे थे इसके बारे में, तो देखिए और डिडंट एक्सपेक्टेड दिस एट ऑल। ऐसी मूवी निकलेगी पता नहीं था, अभी भी वो शॉक याद आता है। मूवी चल रही थी तब तुम एंटिसिपेट कर रही थी कि भाई आगे क्या होने वाला है, तब मैं जो सोच रहा था उसके पोलर अपोजिट होता है, और वहीं पे आपको क्लिक मिलती है और फिर आई वाज लाइक ओह दैट्स व्हाई इसका नाम वाड़वी है। तो हाँ, जाओ, ट्विस्ट पे ट्विस्ट है मूवी में और बोर नहीं करेगी बिल्कुल। इसमें जो एक्टर है सुनील जोशी है, बहुत ज्यादा अच्छा एक्टर है मराठी इंडस्ट्री के, जिन्हें एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज्यादा पसंद है और वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हाँ, जाओ देखो, बहुत ज्यादा अच्छी मूवी है। फिर 2nd पोजीशन पे मूवी है जिसे अगर आपने पसंद किया है तो मुबारक हो, आप रिप्रेस्ड हो, और अगर आप ऐसी मूवी देखते हो तो आप जो वो करते हैं तो वो आप घर में आके करते हो, और अगर आपको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आती है तो आप जानवर हो अकॉर्डिंग टू राथी साहब। तो अब तक भी आपको मूवी का नाम समझ नहीं आ रहा, तो मूवी का नाम है एनिमल स्टारिंग रणबीर कपूर, एक्स नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना, हैबिट एंड न्यू नेशनल क्रश तृप्ति देमरी, और मूवी डायरेक्टेड बाय द वन एंड ओनली संदीप रेड्डी वांगा। आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया चला दूंगा पापा।
तो अब तक आपने मूवी नहीं देखी तो पहले ही बता दो कि अगर आप 18 साल के ऊपर के हैं तो ही जाना, और अगर आपको थोड़ी भी समझ है कि मूवी में जो होता है वो असल जिंदगी में नहीं होता तब जाना, नहीं तो मत जाना भाई प्लीज। और ए रेटेड है तो ऐसा नहीं कि सब कुछ ए रेटेड काम ही है, वो भी है, बट बाकी कॉमेडी है, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स है, अच्छी खासी सिनेमाटोग्राफी है। अगर आप 18 साल के ऊपर है और ये सब देखना चाहते हैं तो जरूर देखना। बाकी पहले नंबर पर है फॉर मी मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ एटलियन यसार के जवान, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, और इसे अगर मैं मूवी ऑफ द ईयर बोलूं तो कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ बैलेंस्ड है। हालांकि एक्शन थोड़ा अच्छा हो सकता था और विलन को अगर थोड़ा और यूजफुल बनाते हो मूवी ज्यादा और अच्छी होती, बट अगर वो सब छोड़े तो मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है और इंडियड एक मस्ट वॉच जरूर है। तो हां, दैट वाज द वीडियो ऑफ माय टॉप 10 इंडियन मूवीज ऑफ 2023। बाकी आपको कौन से टॉप 10 मूवीज है कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक देखते रहिए रॉकी द वॉचर। जय हिंद।